कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर कोरोना वायरस, बेरोजगारी, किसानों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने 3 नवंबर को कटिहार और किशनगंज में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर बिहार को लूटा है, वादे पूरे नहीं किए और अब राज्य की जनता इनको जवाब देगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ NDA है और दूसरी तरफ महागठबंधन है, इनके बीच में राजग की बी टीम भी है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बी टीम घूम घूम कर भ्रम फैलाने का काम कर रही है, बीजेपी और RSS नफरत फैलाते हैं और हम इन दोनों से लड़ते हैं, बीजेपी की बी टीम भी नफरत फैलाती है। बता दें, बिहार चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी इस बार NDA से अलग होकर चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी के इस बयान से माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने इशारों इशारों में बी टीम के नाम से चिराग पासवान पर हमला बोला है। NDA पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा, बिहार के किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। अब बिहार के युवाओं और किसानों ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि PM मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए ताली और थाली बजाने को कहा और 22 दिनों में कोरोना खत्म होने की बात कही, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी भी फैलता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर जा रहे थे, तब नीतीश और मोदी कहाँ थे, तब मदद नहीं की और अब वोट मांगने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। वहीं राहुल ने सवाल किया कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों यहां पर रोजगार नहीं है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के NDA पर लगाए गए इन आरोपों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे की तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।